हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और धमाकेदार गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है एम्स भोपाल की तरफ से नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। तो फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, साथ ही साथ पोस्ट कितना है, पोस्ट वाइज क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एग्जाम की पैटर्न सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया कि एम्स भोपाल में नॉन फैकल्टी वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल सीट्स अगर देखी जाए ओवरऑल 233 सीट्स पे ये रिक्रूटमेंट आई है। अप्लाई जो हो रहा है, फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 6 अक्टूबर से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 30 अक्टूबर 2023 रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज कितना सीट आया है, क्या एलिजिबिलिटी है एंड एज का लिमिट क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पोस्ट है हमारा ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट एमटीएस के लिए, 40 सीट्स है। एलिजिबिलिटी में आपको 10th पास आउट होना चाहिए और एज लिमिट मिनिमम 18 इयर्स टू मैक्सिमम 30 इयर्स रखा गया है। उसके बाद की जो पोस्ट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड से है, 16 सीट यहां पर रखा गया है। एलिजिबिलिटी में फ्रेंड्स आपका 10th पास आउट होना जरूरी है, साथ ही साथ लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल दोनों में से कोई ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग के फील्ड में। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 18 से मैक्सिमम 27 इयर्स रखा गया है। हमारा जो थर्ड पोस्ट है एलडीसी यानी लोअर डिविजन कलर का है, 32 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो 10+2 पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश में है तो 25 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट का नॉलेज आपको होना चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 18 टू मैक्सिमम 30 इयर्स रखा गया। हमारी फोर्थ पोस्ट रहने वाली है स्टेनोग्राफर के लिए, 34 सीट्स यहाँ पर रखा गया है। इसमें ना आपको 10+2 पास आउट होना है, साथ ही साथ डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, 80 वर्ड्स पर मिनट का आपका डिक्टेशन होगा। उसके बाद फ्रेंड्स होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, इंग्लिश के लिए 50 मिनट का रहेगा और अगर हिंदी में करते हो तो 65 मिनट का होगा। एज लिमिट इसके लिए फ्रेंड्स मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है। फिफ्थ पोस्ट हमारी है सिक्योरिटी कम फायर जमदार की, एक ही सीट है इसके लिए। 10+2 पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके लिए मिनिमम हाइट रखा गया 167 सेंटीमीटर, चेस्ट की रिक्वायरमेंट है 80-85 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक्सपेंशन चाहिए होगा। हमारा फिफ्थ जो पोस्ट है स्टोर कीपर कम कलर के लिए, 85 सीट्स है ओवरऑल, ग्रेजुएशन एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो एज लिमिट है मिनिमम नहीं बताया गया, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले जो लोग होंगे ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ जॉब कर रहे होंगे, तो मैक्सिमम एज 30 इयर्स रखा गया है। जूनियर वार्डन हाउस कीपर के लिए 10 सीट्स आया है, ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए और एज लिमिट आपका मैक्सिमम 30-45 ईयर्स रखा गया। तो चलिए ये सब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बता दूं आपको कि फॉर्म के लिए फी क्या लगने वाली है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 1200 रुपीज, एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप से लिया जाएगा 600 रुपीज। रही बात कि आपका जो एज है वो कब से कैलकुलेट होगा, तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 30 अक्टूबर 2023, मतलब 30 अक्टूबर के अकॉर्डिंग आपका एज लिमिट मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए, साथ ही साथ मैक्सिमम 30-45 इयर्स है। आपका पोस्ट वाइज ये वैरी करता है, रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी को मिलेगा 3 इयर्स का, एससी एसटी को मिलेगा 5 इयर्स का।
चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके लिए। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर फोर स्टेजेस फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा CBT एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। उसके बाद होगा टाइपिंग, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर होती है आपकी DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए हम लोग अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका जो CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, उसमें आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितना क्वेश्चन, कितने मार्क्स के लिए है, किन किन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। आइए हम लोग सब कुछ देख लेते हैं। आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए। टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स, यानी कि डेढ़ घंटे का आपका ये पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 का। रही बात कि सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स से होगा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, ओवरऑल जो करंट अफेयर्स वगैरह कंबाइन करके GK का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। मतलब कि सीधा समझिए, कंप्यूटर का जो भी बेसिक नॉलेज है उसका 10 क्वेश्चन आपको आएगा 10 मार्क्स के लिए। CCS कंडक्ट रूल्स 1964 का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए रहेगा। सो आई होप कि ओवरऑल एग्जाम की पैटर्न आपको क्लियर हो गई होगी। तो एग्जाम क्वालिफाई करने पे होगा सिंपली टाइपिंग टेस्ट, DV एंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो नाम आने के बाद फ्रेंड्स आपकी ज्वाइनिंग जो होती है वो एम्स भोपाल में होगी, और आपका MP भोपाल के अंडर जॉब लोकेशन रहेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको सैलरी क्या मिलेगा। तो जब आप इनिशियली ज्वाइन करते हो उस टाइम आपको ये सैलरी जो होता है ना वो 25,000 प्लस दिया जाता है पर मंथ का। हर साल आपको एक इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा, पर्सन अलाउंसेस भी कुछ वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो बाद में सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करो ताकि आपको जो 233 सीट्स है उसमें से एक सीट्स आपके नाम का यहाँ पर अभी से ही बुक हो जाए। अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह या फिर एग्जाम का जो सिलेबस है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो उसको देख के उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर लेना। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, उसके साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां से जाके आप मुझे कर सकते हो फॉलो। और अगर वीडियो पसंद आए तो भर भर के लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।